मन और कोई हिला ना चाहिए। पूरणमल तू एक राजा का बेटा है और हम एक संत फकीर, मेरे साथ रह के दुख ही दुख भोगना होगा, इसलिए तू राजा का बेटा है, तेरी किस्मत में एस अमीरी का भोगना है, अपने वतन लौट जा। नहीं, मैं भोग विलासों में फंसना नहीं चाहता, मैं तो लंगोटी लगाना चाहता हूँ, पकड़ महात्मा की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और मेरी व्यथा सुनिए, कहिए, सुनिए। और काम हरि गुण गाने का, हर काम हरि गुण गाने का। अरे बेदर्दी प्यार रहम कहूं रे, बेदर्दी प्यार रहम कहूं मन हटम कभी हिला ना चाहिए। जिस घर में पूरन सपूत, अरे जिस घर में पूरन सपूत, ऊट मटीला ना सही है, ऊट मटीला ना सही है। गाना बजाने करूं अरे गुरु की सेवा, और कोई हिला ना चाहिए। राजा पूरन मले घर अपने, माँ बाप का दिला ना सही है, माँ बाप का दिला ना सही है। वेदों ने कहा है कर्तम सुभोगतम, मैं उन्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो अनर्थ हुआ है, अरे मेरा वो पिता भी था और वो एक राजा भी था, परंतु उसने एक ऐसी औरत की करतूत को तो अच्छा माना जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, और एक नादान बच्चे को कत्लेआम का आदेश दे दिया। क्या उस राजा अन्यायी के यहाँ जाकर के गुजारा करूँ? बेटे कोई ना कोई मजबूरी तेरे पिता की जरूर रही होगी। एक राजा जब अपनी राज की गद्दी पर बैठता है, वो सबूत और गवाह पे फैसला करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ मनगढ़ंत बात बनी होगी जिसके कारण तेरी ये दशा हुई। तू भूल जा,
उसका फैसला करने वाला तू और मैं नहीं, विधाता महाराज। कोई बात नहीं थी मेरा बाप, क्योंकि मैंने जो गुरुकुल में पढ़ाई की है, मेरे आचार्यों ने यह बताया है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में ब्याह नहीं करना चाहिए, और अगर दूसरी शादी कर ली है तो उसके परिणाम बड़े भयंकर निकल जाते हैं जी। या तो वो त्यागनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है, मुंह फेरना पड़ता है, उसकी आत्माएं यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। महाराज ऐसा बताया है, जूते से खाने पड़ते हैं और उसकी आत्माएं लेके बैठ जाती हैं। यही कारण था मेरे बाप का बुढ़ापे में ब्याह करवा लिया। लेकिन बेटे पूर्णमल, अगर तेरे बाप ने बुढ़ापे में ब्याह करवाया और तू अगर उस पर लांछन लगाता है तो ये भी गलत बात है। लेकिन मैं न्याय नीति की बात कर रहा हूँ। अभी तू कह रहा है कि मैं संत बनना चाहता हूँ। हाँ। एक संत के अंदर कभी क्रोध कभी द्वेष भावना नहीं होती। लेकिन महाराज स्वाभिमान की खातिर इंसान को क्रोध भी आना जरूरी है। नहीं, हाँ। एक संत को कभी क्रोध इस समय इतना क्रोध है मुझे कि मैं ढोलक वाले को भी फाड़ सकता हूँ। तू संत क्या बनेगा? बनूंगा संत थोड़े दिन। नहीं पूर्णमल, मुझे लगता है कि कहीं तेरा स्वाभिमान कल को जाग जाए जब तू मेरा चेला बन जा। आज तू ढोलक वाले को फाड़ रहा है, कल को तो गुरु ने भी फाड़ेगा। जब मैं गुरु मंत्र ले लूंगा फिर वो बात हट जाएगी। अच्छा ठीक। हाँ लिखे सो ईश्वर आप लिखे, लिखे सो ईश्वर आप लिखे। अरे धर्मराजी सर का नजरे, धर्मराजी सर का नजरे, परमेश्वर के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। करमत यो साधु में वही, करमत यो साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पति ही लाना चाहिए। सेवक साधु सहूकार का, लोगो सेवक साधु साहूकार का, सुबह नसीला ना सही है, सुबह नसीला ना सही है। मैं भजन करूं यार गुरु की सेवा, और कोई हिला ना चाहिए। जा पूरन मले घर अपने, माँ बाप का गिला ना सही है, माँ बाप का गिला ना सही है। मौसी, तेरी मौसी। अरसले भान कौन है? यो मेरा पिताजी, जिसे तुम आप कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रहे हैं। अच्छा हाँ। और इस रागनी पर बड़े भाई नरेश जी सुखराली 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। अच्छा पूर्णमल एक बात बता, इस कुएं में पड़े पड़े तेरे को आज 12 साल हो गए। 12 साल में तो काट दिया है, योग बल के कारण तू जिंदा है। जब तुम मारा तेरे बाप ने मरवाया जल्लादों के हाथ, तेरी उम्र कितनी थी? मात्र 12 वर्ष। और तेरी मौसी की? उसकी कम से कम 32 साल। 32 में 12 और जोड़ के साल की होगी? 44। 40 साल की जी। इस उम्र में तो मानस का खड़ा होना बंद हो जाए। क्या बात कर रहे तू,
युताऊ खड़ा है पर खड़ा ना हो जाए, जब गोड्डे टूट ले है। ये तो बहुत करामाती जीव है, महाशय जी है मेरे गुरु के समान है, लेकिन आज समय के कारण तेरी मौसी भी बुढ़िया होली, तू बेफिक्र चला जा सालकोट, अब तेरा वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो कुड़िया होगी हो चाहे बुढ़िया होगी हो, मैं मानता हूं चाहे वो सपाचट होगी हो डाकर साहब, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। और सुनिए मेरी बात, अरे दानस खानी डायन भरगी नूना दे बेटे खानी, ओ बेटे खानी उसका भी स्वभाव बदल क्या होगा, अरे धड़के जो बन का पानी, धड़के जो बन का पानी, गाली दे पर यो संत बुरा नहीं मानेगा, संत बुरा न मना करता, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी, अरे लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, अरे संत का ढीला ना चाहिए, उस बाग में फूल मचिल्ला ना सही है, फूल मचिल्ला ना सही है, मैं भजन करूं अरे गुरु की सेवा और कोई हिला ना सही है, चूर मले घर अपने माँ बाप का गिला ना सही है, माँ बाप का गिला ना सही है। बहुत कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, करूंगा, कान पड़वाने पड़ेंगे, हाँ ये कपड़े उतार के एक अल्फी में रहना होगा। आप कहो महाराज जी मैं इब्बत उतार दूं? ना अभी मत उतारे, पहले तेरे कान पाड़ूंगा। अच्छा, और कान पाड़ के फिर तेरी परीक्षाएं लूंगा, गर्मी के मैं धोने के आगे बैठ कर तपलेगा, तप लूंगा, जाटे में नंगा रह लेगा, रह लूंगा। सोच ले महाराज, आप मुझे अगर जैनी बाबा बनाओगे तो मैं वो भी बन जाऊंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। हम नाथ है नाथ, हाँ शरीर की कई नसें तोड़ देते हैं, मैं मुझे स्वीकार है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार। तो फिर मेरी बात सुन महाराज, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तो राम रहीम के डेरे में शामिल हो जाता, इसीलिए तो थारे डेरे में शामिल होना चाह रहा हूँ। फिर एक काम कर, हाँ मैं तन अपना चेला बना लूंगा, लेकिन तू एक बार अपने देश सालकोट जरूर जाना होगा। चेला बना लोगे? हाँ भाई, एक काम और कर देना, बताओ जितनी रिद्धि सिद्धि तुमने प्राप्त करी है वो मुझे सारी दे देना। मैं सारी दे दूंगा, हाँ पर एक नहीं देने का। अच्छा ठीक है, वो मुझे सही कहा। सब काम बने ना दे लगे, काम बने ना दे लगे, अरे सालकोट नहीं चाहूंगा ना अच्छी ममता मेर लगे, अरे मेर लगे। क्यों क्यों डर है तू? डर का कारण मुझे सालकोट से डर नहीं है, लेकिन उस डायन से डर है। एक बार अपनी माँ को दे। आज आपको पता नहीं है वो बड़ी जहरीली है। नहीं पूर्णमल, जहर फेंकती है वो, तेरी माँ इंसरा देखा ख्याल कर रो रो कंदी होगी,
अपने बूढ़े बाप का ख्याल कर, क्या तुझे तेरी माँ की याद नहीं आई? इंसान का पहला कर्तव्य होता है कि अपनी आत्मा के तमाम पापों को धोले, उसके बाद पैदा सो ना पैद जगत में निर्मल और परवल मर गया और सदा नाम उस ईश्वर का, कोई आज मरा कोई कल मर गया, ईश्वर का भजन करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा और धूनी तपूंगा। एक बार और कहूंगा, बेखटके चला जा और जा पूर्णमल, मैं तेरी भक्ति ते इतना खुश हूं, अगर तू चला जा, अगर तेरे आगे कोई अड़चन आए, सच्चे दिल तक गोरखनाथ का स्मरण कर लिए, मच्छंद्र नाथ की कसम तेरे आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाऊं। में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेर लगे, अरे मेर लगे तो याद करे, मैं वहीं मिलूं जब तेरे नांद में तेल लगे, तेरे नांद में तेल लगे। बेताल सुरीला बिना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। भजन करूं यारे गुरु की सेवा और कोई हिला ना चाहिए। पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिला ना चाहिए, माँ बाप का गिला ना चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली।